तो गाइज अगर आप लोगों को हॉलीवुड की मूवीज यूट्यूब पर देखना पसंद है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन मूवी देखने से पहले प्लीज आप लोगों का उस मूवी का नाम मुझे कमेंट में बताना होगा, जिससे कि मैं आप लोगों का उस मूवी का लिंक प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट। What you become? You know that love promises only pain. नंबर वन स्ट्रेट ऑन, यह मूवी साल 2017 में रिलीज हो चुकी एक्शन थ्रिल मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 4.8 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है जॉन नाम के एक बंदे की, जिसको कि एक मिशन दिया जाता है एक इंसान को पकड़ने के लिए, क्योंकि उस इंसान के पास बहुत ही खतरनाक वेपन है जिसकी मदद से वो पूरी धरती को ख़त्म कर सकता है। तभी जॉन निकल पड़ता है उस बंदे को पकड़ने के लिए, लेकिन उस बंदे को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जॉन को उस बंदे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि वो बंदा इस समय कहाँ है। तो अब आगे इस मूवी में जॉन क्या कुछ करता है उस बंदे को पकड़ने के लिए, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को एक्शन थ्रिल मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में ट्राई कर सकते हो। नंबर टू बुलेट ट्रेन, ये मूवी साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि एक बहुत ही खतरनाक असैसिन होती है, और इस लड़की को एक मिशन दिया जाता है कि इसको एक बुलेट ट्रेन में से एक ब्रीफकेस को लाना होगा। तो लड़की निकल पड़ती है अपने इस मिशन पर, लेकिन इस ब्रीफकेस को लाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इस ब्रीफकेस के पीछे बहुत ही खतरनाक असैसिन पड़े होते हैं। तो लड़की इस ब्रीफकेस को किस तरह से लाती है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर ट्राई कर सकते हो। नंबर थ्री स्काई फायर, ये मूवी साल 2019 में रिलीज हो चुकी एक्शन थ्रिल सर्वाइव मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक बिजनेसमैन की, जो कि ज्वालामुखी के पास एक टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं ताकि घूमने के लिए वहां पर टूरिस्ट आ सके, और कुछ लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण घूमने वाले लोग वहीं पर फंस जाते हैं और धरती के उधर उधर ज्वालामुखी के पत्थर गिरने लगते हैं। तो वो लोग वहां से किस तरह से बचकर निकलते हैं, ये सब जानने के लिए तो आपको मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को डिजास्टर सर्वाइव मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर ट्राई कर सकते हो। नंबर फोर अननोन, यह मूवी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक्शन थ्रिल मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है मार्टिन नाम के एक बंदे की, जो कि अपने वाइफ के साथ एक पार्टी में जा रहा होता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये मार्टिन नाम का बंदा बेहोश हो जाता है। और जब मार्टिन को होश आता है तो कोई भी इसको नहीं पहचान पा रहा होता है, यहाँ तक कि इसकी वाइफ इसको नहीं पहचान पा रही होती है। तो इस मूवी में आगे मार्टिन के साथ क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को एक्शन थ्रिल मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में ट्राई कर सकते हो। नंबर फाइव कैप्टन अमेरिका पार्ट वन, ये मूवी साल 2011 में रिलीज हो चुकी एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे बंदे की, जो कि एक लैब से कुछ चुरा कर भाग रहा होता है, और तभी कैप्टन अमेरिका उसके पीछे भागने लगता है उसको पकड़ने के लिए। तो अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी मार्वल डीसी मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में ट्राई कर सकते हो। नंबर सिक्स रेप्लिकास, ये मूवी साल 2018 में रिलीज हो चुकी साइंस फिक्शन थ्रिल मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 5.5 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है विलियन नाम के साइंटिस्ट की, जो कि अपने फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा होता है, लेकिन इसके बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें विलियम की पूरी फैमिली चल बसती है। तभी विलियम डिसाइड करता है कि वो अपने साइंटिस्ट की मदद से वो एक एआई फैमिली बनाएगा जिसके साथ वो खुशी से रह सकता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके ऊपर एक मुसीबत आ जाती है। तो अब आगे विलियम के साथ क्या कुछ होता है, ये सब
जानने के लिए तो आपको यह मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को साइंस फिक्शन थ्रिल मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में ट्राई कर सकते हो। नंबर 7 द फॉरिनर। यह मूवी साल 2017 में रिलीज हो चुकी एक्शन थ्रिल मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है माइक नाम के एक फादर की, जो कि अपनी बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा होता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उस स्कूल को बम से उड़ा दिया जाता है, जिसमें माइक की बेटी भी टपक जाती है। तभी माइक डिसाइड करता है कि जिसने भी स्कूल में बम लगाया वो उन सबको ढूंढकर टपका देगा। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो अब आगे माइक क्या कुछ करता है अपनी बेटी का बदला लेने के लिए, ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में ट्राई कर सकते हो। नंबर 8 रेड डाउन। ये मूवी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक्शन वॉर थ्रिल मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.3 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है साउथ कोरिया की, जो कि अचानक से अमेरिका पर अटैक कर देती है और जहां तहां पर बमबारी करने लगती है। तभी कहानी फोकस करती है जेक नाम के सोल्जर पर, जो कि अपने भाई के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन साउथ कोरिया के लोग उसके फादर को पकड़ लेते हैं और उन सबके सामने उसके फादर को टपका देते हैं। तभी जेक नाम का बंदर डिसाइड करता है कि जिसने भी उसके फादर को टपकाया और जिसने भी उसकी कंट्री पर हमला किया है वो उन सबसे बदला लेगा। तो अब आगे जैक क्या कुछ करता है ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को एक्शन वॉर मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में ट्राई कर सकते हो। नंबर 9 रिसेट। यह मूवी साल 2017 में रिलीज हो चुकी एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.3 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक साइंटिस्ट की, जो कि एक लड़की होती है और ये टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है और ये लड़की अपने काम में सफल भी हो जाती है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब कोई एक किडनैपर इसके बेटे को किडनैप कर लेता है और वो टाइम ट्रेवल मशीन मांगने लगता है। लेकिन वो लड़की टाइम ट्रेवल मशीन देने से मना कर देती है, जिसके कारण वो किडनैपर उसके बेटे को टपका देते हैं। तभी वो लड़की टाइम ट्रेवल मशीन से वो पास्ट में जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए। तो अब उस लड़की के साथ आगे क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को एक्शन साइंस फिक्शन मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में ट्राई कर सकते हो। नंबर 10 फैंटास्टिक बीस्ट। यह मूवी साल 2022 में रिलीज हो चुकी फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे बंदे की जिसके पास एक ब्रीफकेस होता है, लेकिन ये आम ब्रीफकेस नहीं होता बल्कि कि इस ब्रीफकेस में कोई खास बात होती है जिसके पीछे बहुत से लोग पड़े हुए होते हैं। तो अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को फैंटेसी एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में ट्राई कर सकते हो।